हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोहेल महाजन फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजीज। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो है रैबिट पे। सो फ्रेंड, लास्ट सेशन में हमने स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क किया था, आज हम करने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। सो आज की इस जनरल वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमने व्यूज को ड्राइंग सेक्शन में इम्पोर्ट करना है, लेके कैसे आना है, उनके स्केल को छोटा बड़ा कैसे करना है, उनके टाइटल ब्लॉक को कैसे हमें एडिट करना है और डायमेंशनिंग कैसे देनी है। So, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो आप यहां देख सकते हैं, यहां रैबिट स्टार्ट हो गया। से ये एक जनरल बिल्डिंग का एग्जांपल है। से इसका मैंने यहां फ्लोर प्लान पे ये एंट्री लेवल फर्नीचर लेआउट, फ्लोर रूफ एंड साइड। अब जैसे मैं चाहता हूं मुझे इस एंट्री लेवल की ड्राफ्टिंग करनी है, रिगार्डिंग कुछ डायमेंशन देनी है, इसके अकॉर्डिंग ये व्यू पूरा एक ड्राइंग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहीं से नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे, ये देखिए जैसे, फिर यहाँ शीट्स पे जाके राइट क्लिक करके न्यू शीट पे यहाँ का आ जाएगा A0 A1 मैट्रिक। से A1 मैट्रिक ओके किया, सो आपकी अननेम नाम से शीट क्रिएट होगी। यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हैं और जैसे करना चाहें, यहाँ सिंपली क्लिक करके अननेम पे जाके यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर व्यूज जो लेके आ रहा था वो है एंट्री लेवल। सो यहाँ पर एंट्री लेवल आप लिख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई। सो अब इसे व्यू कैसे लेके आना है फ्रेंड, ये देखिए उसकी प्रोजेक्शन है। एंट्री लेवल पे क्लिक किया, सिंपली आपने क्या करना है, यहां से क्लिक करके माउस पकड़ के रहना है उसका राइट क्लिक, और यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगेन, अब जैसे ये कह रहा है कि यहां पर ऑलरेडी एक व्यू है इसका, सो हम क्या करेंगे, हम एंट्री लेवल फर्नीचर लेआउट इंसर्ट कर लेंगे। एंड ये देखिए, ये व्यू मेरा यहां आ गया, ये आप देख सकते हैं। अब इसको छोटा कैसे करना है, इस वाले व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर व्यू स्केल है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। वहां जैसे 1:100 है, सो मैं इसको 1:150 कर देता हूं। से यहीं पे कस्टमाइजेशन करके इसको 200 कर देते हैं। सो ये हो गया, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा व्यू यहां पर आ गया। ऐसे ही आप इसमें मल्टीपल और भी व्यूज लेके आ सकते हैं, अगर आप लेके आना चाहते हैं। लाइक से यहां मैं ड्रैग करके इसको ले गया, जैसे रूफ में वो लेके आनी है तो रूफ सिंपली ड्रैग कर लेंगे हम यहाँ, और ये देखिए ये रूफ आपकी आ गई है। सो अगेन इसको भी नॉर्मल करेंगे हम, से 1:200। अब जैसे ये देखिए, ये व्यू हमारा छोटा शीट पे बड़ा पड़ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, 1:500। सो यहां पर ले आएंगे, ये देखिए। अब ये तो हम यहां पर, ये तो तरीका हो गया कि इसको व्यूज इंसर्ट करने का। अब इसमें डायमेंशनिंग कैसे करनी है फ्रेंड्स, सो सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहां पर एक्टिवेट व्यू लिखा आ रहा है, यहां क्लिक कर देंगे, देन एनोटेट पे जाएंगे और यहां पे जाके हम डायमेंशनिंग करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं मुझे ये वाले वॉल से ये वाली वॉल का डिस्टेंस देना है, अलाइन सेलेक्ट किया, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ऐसे डिस्टेंस मेरे आ जाएंगे। ऐसे एंगुलर भी इसमें डिस्टेंस दे सकते हैं, ऐसे रेडियल, अगर कोई रेडियल ऑब्जेक्ट है, डायमीटर, आर्क लेंथ। सो इस तरह के आप इसमें डायमेंशनिंग इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे व्यू हमारा एक्टिवेट है, तो उसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, ये देखिए, जैसे एक्टिवेशन में हमारा ये चल रहा है, सिंपली
यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ व्यू पे डीएक्टिवेट व्यू कर देंगे तो ये हमारा नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर राइट, फिर अगर आपने शीट की टाइप शीट के ऊपर वर्क करना है तो यहाँ क्लिक करके इस पे एडिट फैमिली में जाके एडिट फैमिली में जाके सो ये प्रोसेसिंग भी हो रही है हमारी। तो ये देखिए कि हमारी शीट का टाइटल ब्लॉक ओपन हो गया। अब जैसे आप यहाँ आर्क 2001 है यहाँ हटा के कुछ और लिखना चाहते हैं लाइक से आप 2011 की जगह मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ से एंट्री लेवल एंड रूफ जो हमने इंसर्ट किए थे इंसर्ट हो गया। ये देखिए ये चेंज हो गया। सो ये था फ्रेंड हमारा एक जनरल टॉपिक ड्राइंग के ऊपर कि ड्राइंग में हमने पार्ट्स कैसे इंपोर्ट करने हैं, व्यू कैसे इंपोर्ट करने हैं, जनरल डाइमेंशनिंग और कुछ टाइटल ब्लॉक के ऊपर या और शीट के ऊपर मॉडिफिकेशन कैसे करनी है। सो आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मैं सुमित महाजन फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजीज एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैट इज ईएमई टेक्नोलॉजीज तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।